सब्सक्राइब कीजिए कुमार टेक को और प्रेस कीजिए बेल आइकन सबसे जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुमार टेक। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू और एक न्यू प्रोडक्ट की। ये है रेडमी का HRX बैंड, यानी कि ये वाला बैंड। तो इसकी मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ और साथ ही साथ इसका वाटरप्रूफिंग टेस्ट और इसके सारे प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आज पहला दिन आज का। तो मैं जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है, मुझे आज ये कुरियर से मिला है। तो इसको मैं फटाफट से जो है अनबॉक्स कर देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बिल है और इसको ये जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, पैकिंग इसकी अच्छी है। तो इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। और जैसे ही हम इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर की रिव्यू कुछ इस तरह से है। ये ब्लैक कलर का मैंने मंगाया था। तो इसके साथ आपको जो दोस्तों मिलता है, सबसे पहले आपको इसकी टॉप पे देखने को मिलती है इसकी जो रिस्ट वॉच है, और नीचे की तरफ आपको इसको स्ट्रैप जो है इसको मिल जाएगी। और ख़ास बात ये है दोस्तों, इसके साथ आपको यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा वो घड़ी, और इसके साथ इसके यूज़र मैनुअल मिलता है, और साथ ही इसके अंदर साइड में आपको यहाँ पर एक चार्जर भी मिल जाता है। ठीक है, तो पहले इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, उसको खोल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे पील आउट करता हूँ इसे, तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है जो वॉच है वो हमें मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका जो चार्जिंग केबल, देख सकते हैं यहाँ पर साइड में रखा हुआ है। तो इसकी बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों, जैसे कि आप अगर बात करें, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये किन किन टेस्ट से गुजरा है। तो यहाँ पर ये मेरे हाथ में है इसका जो है घड़ी, यहाँ पर सिर्फ ये एक टच सेंसिटिविटी के बटन की तरह दिख रहा है। हालांकि इसकी मटेरियल की बात करें तो दोस्तों, ये काफ़ी मतलब बहुत ही बढ़िया मटेरियल है इसमें। और ये जो है आपको इसके डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, इसके साथ जो यूज़र मैनुअल है आप इसको मिल जाएंगे इसमें लिखा है। और साथ ही जो क्लास मटेरियल आपको जो बंधने को मिलता है, ये एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले देखिए, अगर इसको चलाना है तो सिंपली आपका फ़ोन लीजिए, कोई भी MI डिवाइस में ये चल जाता है। इसको सिर्फ आपको जो कोड है यहाँ पर स्कैन करना है, और यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट करना है तो अपना ये जो है आपको प्ले स्टोर तक ले जाएगा। चलिए दोस्तों, ये जो है डाउनलोड अभी हो रहा है, तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो है ब्लूटूथ इसमें 4.0 की आती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके साथ जो है बैटरी, आपको जो बैटरी कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी है, 70 mAh की है। इसका भी टेस्ट मैंने किया और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए, तो आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कितने दिनों से मैंने इसको चार्ज किया था, कितने दिनों से नहीं किया था, क्या क्या किया था, आप सब उसको देख सकते हैं। ये जो दोस्तों बैटरी है इसकी लिथियम पॉलीमर की बैटरी है, और इसकी जो वेट है 7 ग्राम की है, और ये फुल वाटर रेजिस्टेंट है। ये भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी दोस्तों, वाटर रेजिस्टेंट, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इसको एक दिन तक पानी में डुबो के रखा था और फिर भी ये जो है काम कर रहा है। हालांकि वो फुटेज मेरे पास मतलब है नहीं अभी, तो मैंने वो अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं डाला है, लेकिन हाँ वाटर टेस्ट का जो है एक क्लिप मैंने इसमें डाला हुआ है, वो आप अगर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इसको चार्ज करना है, कुछ यहाँ पर जो 2 पिन्स आपको देखने को मिलेंगी, अगर मैं इसको पकड़ के आपको इसे दिखाऊं, तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे 2 पॉइंट्स है यहाँ पर। आपको सिंपली क्या करना है, इसको पकड़ना है और आपकी जो कनेक्टिंग वायर है, यानी कि उसके साथ जो चार्जर आता है, उसको सिंपली ऐसे पकड़ना है सीधा, और उसके साथ इस तरह से कुछ उसको डाल देना है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद आप इसको किसी भी चार्जर से, कोई भी USB केबल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक फीमेल पॉइंटर है, मैं इस पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट होते ही ये चार्ज होने लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चार्जिंग का बहुत कम टाइम लेता है, लगभग
15-20 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका वाटर टेस्ट, ये दूसरा दिन है दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको वाटर टेस्ट करने वाला हूँ। मैंने पहले दिन जो है उसको पानी में भिगो के रखा था, कुछ नहीं हुआ था, तो ये जो है मैंने ये कुछ इस तरह से आपको दिखाने के लिए बनाया है। वो वीडियो मेरे पास हालांकि नहीं है, क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम था उस टाइम, जो मैंने वो वीडियो फुटेज जो है नहीं ले पाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको पानी में डाल रहा हूँ, पानी इसके ऊपर डाल रहा हूँ। आप अभी भी ये टच जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि ये जो वाटर रेजिस्टेंट है, IP67 से बिलोंग्स करता है, ये सर्टिफाइड है। तो यहाँ पर मैं इसको पानी में डालता हूँ और इसके ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पर पानी ही पानी डालता हूँ। आप चाहे तो इसको खुद भी टेस्ट ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि फुली वाटर प्रूफ है और बहुत ही बढ़िया जो है बैटरी बैकअप इसका है। तो इसकी जो लेंथ है, स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 235 mm है, और स्ट्रैप मटेरियल TPE है, यानी कि ये एल्युमिनियम एलॉय से बना है। और ये दोस्तों जाओमी के कोई भी डिवाइस में या फिर एंड्रॉयड के 4.4 वर्जन के ऊपर के कोई भी डिवाइस में जो है इसमें काम कर जाता है। और इसमें जो है ब्लूटूथ 4.0 है, और ये सिर्फ एंड्रॉयड ही नहीं, आईओएस के डिवाइस पे भी काम करता है दोस्तों। हालांकि आईफोन 4S से लेकर ऊपर तक के कोई भी वर्जन में काम कर जाता है, जिसमें iOS 7 पॉइंट्स हो या फिर उससे ऊपर हो। तो दोस्तों बात करें इस वॉच की, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तो इसमें जो है टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस इसकी जो अगर बात करें, ये 45 डिग्री तक जो है सेंटीग्रेड तक ये झेल लेता है, ठीक है। एडजस्टेबल लेंथ जो है इसकी 155 mm से 210 mm तक जो है ये रेजिस्ट कर सकती है। तो आप अगर इसको चार्ज, अगर आपके पास चार्जर करने के लिए करंट नहीं है या फिर लैपटॉप भी नहीं है, तो आप इस तरह से इसको मोबाइल के डिवाइस से भी चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 पिन है, जैसे मैंने पहले दिखाया चार्ज करके, उस तरह से आप पहले इसके चार्जर वाले हिस्से पे जो है इसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपके पास अगर OTG केबल हो या फिर कोई भी USB-C टाइप की OTG वाली केबल हो, तो आप उसमें जो है उसे कनेक्ट करके आपके मोबाइल के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें सेंसर भी मिल जाता है, ये मोशन सेंसर्स हैं, यानी कि आपके बॉडी के जो मूवमेंट को कैप्चर करता है। और साथ ही इसमें आपको GPS भी मिल जाता है दोस्तों। जी हाँ, बहुत सटीक GPS है इसका, मैंने इसको टेस्ट खुद किया है। तो ये लगभग कुल मिलाकर ये जो है डिवाइस है, बहुत अच्छा डिवाइस है। अगर आपका MI डिवाइस है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा उसी अकाउंट से। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसका जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो सब ऑन करके रखा है। ये बहुत ही सिंपल है कनेक्ट करना इसको, तो आप खुद कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसका जो है कुछ नहीं बनाया ऐसा कुछ। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो है 19वां दिन है दोस्तों, मैंने इसको चार्ज बिल्कुल नहीं किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रूफ, बैटरी इसकी कितनी अच्छी है, आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं। तो मैं जब इसको जो है, ये ऑलरेडी मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है मेरे मोबाइल से, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। MI फिट ओपन कीजिए इसका जो एप्लीकेशन है, और आप यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर वेट जो है वो दिखाता है। और यहाँ इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पर MI बैंड HRX लिखा है इसमें 7%, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये 7% है। तो कुल मिलाकर अगर बताएं दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है MI की तरफ से, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। और ये था दोस्तों आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।